हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बेबी अब एक साल का हो गया है और उसके अभी तक दांत नहीं निकले हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या ये जेन्युइनली परेशानी की बात है? ऐसा क्यों हो रहा है? हमें क्या करना चाहिए? ये जानेंगे हम इस वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ आपको पेरेंटिंग और बेबी रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट मिलेगा आपकी पेरेंटिंग जर्नी को सिंप्लीफाई करने के लिए। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे और पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा बिकॉज ये परेशानी सब पेरेंट्स को होती है जब उनके बच्चों के दांत टाइम पे नहीं आते। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पेरेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बच्चे के 12 से 15 महीने तक दांत नहीं आते हैं तब उसको लेट टीदिंग की कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। हो सकता है कि बाय द टाइम आप डेंटिस्ट के पास जाएं या डॉक्टर के पास जाएं तो आपके बच्चे का पहला दांत निकलने वाला हो, तो इट इज वेरी नॉर्मल कि कुछ बच्चों के दांत आते ही लेट हैं और कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम नहीं होती। मैं एक मदर हूं, मेरे दो बच्चे हैं और मैं आपको दोनों का एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पहले बच्चे के केस में उसका पहला दांत 6 महीने पे आया, जो एक टिपिकल टाइमलाइन है पहला दांत आने की। बट मेरी बेटी के केस में, जो मेरा सेकेंड चाइल्ड है, जब वो पैदा हुई थी तो पैदाइशी पे ही उसका दांत जो था वो यहाँ पे दिख रहा था हल्का सा, और जब वो 45 डेज की थी तो उसका पहला दांत निकल गया। तो कई बार टीदिंग बहुत जल्दी हो जाती है, बाय बर्थ ही बच्चा दांत के साथ पैदा हुआ है, और कई बार टीदिंग बहुत लेट होती है बिना किसी अंडरलाइन प्रॉब्लम के। दोनों ही केसेस नॉर्मल है। हाउएवर, मेरा ये सजेशन है कि अगर 12 महीने तक आपके बच्चे के दांत नहीं आए तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार बात कीजिए, और अगर 15 महीने तक बच्चे के दांत नहीं आए तो डेफिनेटली आप एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से जाके मिलिए। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट वो डेंटिस्ट होते हैं जो बच्चों के केस में स्पेशलाइज करते हैं। एक नॉर्मल डेंटिस्ट होता है और एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होता है। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कैसे पता करें, वो आप अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन से पूछेंगे तो वो आपको रेफरेंस दे देंगे। अब देखिए क्या रीजंस हो सकते हैं कि 15 महीने हो गए आपके बच्चे के अभी तक दांत नहीं आए। पहला रीजन हो सकता है प्योरली जेनेटिक। आपके और आपके पार्टनर के भी दांत बहुत लेट आए थे तो ये एक जेनेटिक चीज है, उसके भी लेट आएंगे। दूसरा हो सकता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे दांतों के लिए हमें चाहिए होता है कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, बी, सी, काफी सारे विटामिन्स की जरूरत होती है और मेनली कैल्शियम की जरूरत होती है। अब कैल्शियम होता है वो बच्चे को दूध से मिल जाता है। हाउएवर, कैल्शियम बॉडी में अब्सॉर्ब हो सके उसके लिए उसको विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए आपने नोट किया होगा कि आजकल डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि बेबी की बर्थ से ही हर रोज उसको विटामिन डी के ड्रॉप्स दिए जाएं, बिकॉज इनफ विटामिन डी बच्चों की बॉडी नहीं बना पाती है। सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, एनवायरमेंट चेंज हो गया है, तो इसीलिए विटामिन डी को सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो आपको ये थोड़ा सा असेस करना पड़ेगा कि क्या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है जो उसकी दांतों की ग्रोथ के लिए जरूरी है, और इसको असेस करने के लिए डॉक्टर्स आपको मदद कर सकते हैं। साथ ही 6 महीने के बाद जब आप बच्चे का थोड़ा सॉलिड फूड स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको थोड़ा इंश्योर करना है कि उसको बाकी के मल्टीविटामिन्स भी मिल रहे हैं, विटामिन ए, बी, सी, सारे ये विटामिन्स भी उसको दूसरे फूड्स के थ्रू मिल रहे हैं। अगर बच्चे के दांत नहीं है तो प्यूरी फूड आप बच्चे को दे रहे होंगे, तो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या देना है दांतों के लिए उस चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है टू प्रमोट द ग्रोथ। तीसरी चीज हो सकती है थायराइड। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में भी देखा जाता है कि बच्चों के दांत लेट आते हैं, बट थायराइड के बहुत सारे और साइंस होते हैं, तो अगेन एक डॉक्टर आपको हेल्प कर सकता है टू असेस कि क्या ये सिचुएशन हो सकती है या नहीं। चौथी चीज हो सकती है कोई गम इन्फेक्शन। अगेन वो चेक करेंगे डेंटिस्ट और वो आपको बता देंगे कि गम में ऐसा कोई इन्फेक्शन है तो जो दांतों को बाहर निकलने से रोक रहा है। एंड देन लास्ट ये देखा जाता है कि जो प्री मच्योर बेबीज होते हैं या जिन बेबीज का बर्थ वेट बहुत ही लो होता है, उनका कई बार ये माइलस्टोन थोड़ा लेट आता है, डेवलपमेंट माइलस्टोन में थोड़ा सा डिले होता है कि दांत ही लेट आ रहे हैं, कोई भी ऊपर की जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई नहीं है, प्योरली बिकॉज बर्थ में वो जल्दी आ गए थे या उनका बर्थ वेट बहुत कम था तो अभी वो थोड़ा कैचअप करने में टाइम ले रहे हैं। और मैंने ऐसा भी बहुत देखा है कि 15 महीने पे पेरेंट्स गए बहुत परेशान डेंटिस्ट के पास और फिर वापस आए, उन्हें लग रहा है कि क्या हो रहा है बच्चे के साथ, और सडनली देखा कि अब दांत आना शुरू हो रहा है। तो बच्चों के साथ गाइज ये होता है, थोड़ा एक्सट्रीम माइलस्टोन्स भी हो सकते हैं, बट एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सही टाइमलाइन में कोई चीज नहीं हो रही तो आप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए और देखिए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो आप फिक्स करने में मदद कर सके। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी हो, आपकी परेशानी को थोड़ा कम किया हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉम कम इंडिया। बाय बाय।